मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा मार्केट में रनुजा मेडिकल चलाने वाले 28 वर्षीय और उनकी बीवी मीना भाटी 26 वर्षीय और मीना भाटी के भाई हेमराज भाटी 27 वर्षीय की भिवंडी हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई है। एक ही परिवार में तीन लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मुमरा मार्केट में गोदावरी बिल्डिंग में पहले मंजिले पर रहते थे और रनुजा मेडिकल स्टोर ये चलाते थे। ये मेडिकल स्टोर इनका खुद का था। जानकारी के मुताबिक एक साल पहले ही की शादी मीना भाटी से हुई थी और शादी की सालगिरह मनाने के लिए भिवंडी के एक ढाबे और मीना और मीना के भाई हेमराज रात 12 बजे के आसपास मुमरा से गए थे और भिवंडी हाईवे के पास किसी ढाबे में सालगिरह के मौके पर खाना खाने के बाद ये लोग वापस आ रहे थे। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक्टिवा पर तीनों लोग सवार थे और 3 से 4 बजे के आसपास में किसी अज्ञात वाहन ने इन्हें टक्कर मार दिया। तीनों रोड पर ही पड़े रहे और हेमराज की मौत मौके पर हो गई थी जबकि मीना जिंदा थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार काफी देर तक ये रोड पर पड़े रहे, कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। हालांकि इसी दौरान इसी हाईवे से एक मुस्लिम समुदाय की बारात जा रही थी और इन लोगों ने देखा और इनके मदद के लिए आगे आए। इस घटना की जानकारी इन बारातियों ने पुलिस को दी और मीना को जुपिटर हॉस्पिटल लेकर जाया गया, मगर सुबह करीब 6 से 7 बजे के आसपास मीना की भी मौत हो गई। एक साथ में एक घर में तीन तीन लोगों की मौत दिल को झकझोर देने वाली ये घटना है। हालांकि मीना और हेमराज की डेड बॉडी आज दोपहर में मुमरा मार्केट स्थित गोदावरी बिल्डिंग में उनके घर पर लाया गया। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ये लोग मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं और तीनों की डेड बॉडी कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुमरा से राजस्थान के लिए एम्बुलेंस से इनका परिवार लेकर रवाना हो गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।